हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। चलिए दोस्तों की तरफ से डिमांड आ रहा था कि बिल्डिंग मटेरियल करवाइए, तो बिल्डिंग मटेरियल का समय आ गया है। इसका हम लोग पार्ट वन करेंगे, ठीक है। पार्ट दो तक करेंगे, इसका लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कवर कर लेंगे बिल्डिंग मटेरियल का। तो ये सिविल वालों के इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल जनरल इंजीनियरिंग में सिलेबस साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो करके जाना, बेसिक बेसिक पूछेगा, ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। तो हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। और ये सब कुछ PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम GSSC वाला, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वो भी टेलीग्राम चैनल का यही नाम है, GSSC वाला। JSSC स्पेस नहीं देना है, WALLAH GSSC वाला, ये टेलीग्राम चैनल, इसमें जुड़िए। यहाँ हर चीज़ का PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, संदार जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक है, आंसर के साथ, ठीक है दोस्तों। तो यकीन मानिए, पूरा वीडियो को देखते हैं जितना भी GSSC JEE के प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो, तो आपका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं वो तो एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पेन से आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि PDF देने में आंसर दिक्कत होता है, इसलिए डिमांड होता है जब टेलीग्राम में भेजते हैं तो वहाँ पे आंसर वगैरह मांगता है। इसलिए जिप्सम क्या है, जिप्सम ये केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट। जिप्सम क्या है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट रॉक चेंज द इनटू क्वार्ट्ज बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, तो क्या होगा, सैंडस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज इनटू क्वार्ट्जाइट बाय मेटामॉर्फिक द सैंडस्टोन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, कौन सा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्लेट मेटामॉर्फिक है और सेल तो सेडिमेंट्री है, और क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक, तो स्लेट और क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक है, सेल पूछेगा तो सेडिमेंट्री है। क्वार्ट्जाइट कैसा है, ये सिलेसियस रॉक है, कैसा है, सिलेसियस रॉक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल, इसमें से मिनरल कौन सा बताना है आपको। चलिए, मिनरल कौन सा, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, मिनरल कौन है, बसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सैनाइट। तो क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज जो है मिनरल है, ठीक है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। स्लेट किससे फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक द्वारा, तो सेल के द्वारा, सेल से स्लेट बनता है बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, इसे कह सकते हैं आप लोग, ठीक। सैंडस्टोन इज ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, जी हाँ दोस्तों, एक्वस रॉक सही बात है, सिलेसियस रॉक सही बात है। सैंडस्टोन कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक भी है, एक्वस रॉक भी है और सिलेसियस रॉक भी, तीनों है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, इसमें से रॉक बताना कौन सा है, क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम। तो जिप्सम एक रॉक है, ठीक है। ए हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर, हैवी स्टोन सुटेबल फॉर रिटेनिंग वॉल, हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर रिटेनिंग वॉल। द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मशीनरी शुड बी हार्ड, द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मशीनरी शुड बी हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज द मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो किसका होता है, क्वार्ट्जाइट का होता है। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 5%, शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोर फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, किसके पास ज़्यादा होता है, कंपैक्ट सैंड स्टोन के पास। जंपर इज ए टूल यूज फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्या करते हैं, जंपर यूज करते हैं क्योंकि क्वेरिंग ऑफ स्टोन करना होता है उसमें, ठीक। द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन यूज इन डॉक्स एंड हार्बर्स, कौन सा टेस्ट, वेट टेस्ट, कौन सा टेस्ट, वेट टेस्ट। चलिए, द ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज, क्योंकि बहुत महंगा होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड एबटमेंट्स ऑफ रेलवे ब्रिज, तो कौन सा, ग्रेनाइट, कौन सा, ग्रेनाइट। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑप्टेन प्लेन एज और टू ऑप्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज ड्रेसिंग स्टोन। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑप्टेन प्लेन एज और ऑप्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज शेप एंड साइज को ड्रेसिंग स्टोन बोलते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन कितना होता है, शुड नॉट बी मोर देन 100 MPa, ठीक है, याद रखिएगा, ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी मोर देन 100 MPa।
स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द मोस्ट बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन 2.5 से 3 के बीच में, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 2.5 से लेकर 3 के बीच में होता है। स्पेलिंग हैमर क्या होता है? ये रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। स्पेलिंग हैमर का मतलब क्या? स्पेलिंग हैमर का मतलब क्या होता है? रफ ड्रेसिंग स्टोन। क्या? रफ ड्रेसिंग स्टोन को बोलते हैं स्पेलिंग हैमर। क्रॉस कट सॉ इज यूज्ड फॉर इट फॉर कटिंग हार्ड स्टोन, यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड स्टोन। सैपवुड कंसिस्ट ऑफ, सैपवुड क्या? कंसिस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। सैपवुड देख सकते हैं आप लोग, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, ठीक है। सैपवुड क्या होता है? पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री एल्ड हार्डवुड, हार्डवुड कौन है? तो शीशम आपको पता ही होगा, हार्डवुड का एग्जाम्पल है शीशम। चलिए 27 नंबर आइए। द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ ए लॉग एंड नेरो टूवर्ड द पिथ इज नोन एज स्टार सेक्स, इसको नोन एज स्टार सेक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्रीज एल्ड सॉफ्ट वुड, तो कौन सा सॉफ्ट पेयर? शीशम तो हार्ड होता है, साल भी हार्ड होता है, साल भी यहाँ हार्ड रहता है, इसका मतलब चीर एंड देवदार जो कि सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स के लिए, मलबेरी मलबेरी मलबेरी। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। शीशम इज यूज फॉर डेकोरेटिंग वुड फ्रेम, सही बात है। शीशम कैन बी पॉलिश टू एन एक्सेलेंट फिनिश, ये भी सही बात है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन ए टिम्बर कॉज्ड लैक ऑफ वेंटिलेशन, प्लाईवुड हैज एडवांटेज ऑफ, पर प्लाईवुड का एडवांटेज बताइए क्या होता है? सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑल डायरेक्शन, प्लाईवुड का ये खासियत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में सेम होता है प्लाईवुड का। 33 नंबर बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, तो पैरेलल टू ग्रेन, कौन सा? पैरेलल टू ग्रेन, देख सकते हैं दो बार आ चुका है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, तो पैरेलल टू ग्रेन्स। द मॉइस्चर कंटेंट इन योर वेल सीजन टिम्बर कितना होता है? 10 से 12%। द मॉइस्चर कंटेंट इन योर वेल सीजन टिम्बर 10 से 12%। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल दैट ब्रांचेज इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉग, उसको क्या बोलते हैं? लॉग। छत्तीस नंबर चलिए। द एज ऑफ ट्री कैन बी नॉन एनुलर रिंग के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, साइंस में कई बार आ चुका है। प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर ऑफ वुड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इज 90 डिग्री। प्लाईवुड क्या है? द ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग टिम्बर इज 15%, कितना? द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज 15%। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ कितना होता है? फर्स्ट क्लास मोर देन 10 साल, ठीक है। फर्स्ट क्लास टिम्बर का एवरेज लाइफ 10 साल से ज़्यादा होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर 24 आवर्स शुड नॉट अब्जर्व वाटर मोर देन 20%, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होता है इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे 24 घंटा के लिए, तो ये क्या होता है कि अब्जर्व वाटर मोर देन 20% नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यही बोलता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास टिम्बर कितना होता है? 10.5 MN² द मेन फंक्शन ऑफ एलमुना इन ब्रिक्स, एलमुना का मेन फंक्शन क्या है? तो ये एलमुना याद रखिएगा, प्लास्टिसिटी से एलमुना का फंक्शन होता है ब्रिक्स में, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए द परसेंटेज ऑफ एलमुना इन गुड ब्रिक्स लाइज बिटवीन 20 से 30%, दिमाग में रखिएगा, एलमुना कितना होता है? 20 से 30%, एलमुना कितना होता है? 20 से 30% ब्रिक्स में होता है। चलिए तो नॉमिनल साइज बताना है मॉडुलर ब्रिक्स का, कितना होता है? 200 100 100, ये है मॉडुलर ब्रिक्स का नॉमिनल साइज है। द परसेंटेज ऑफ सिल्का, सिल्का का परसेंटेज कितना होता है अर्थ ब्रिक में? तो 50 से 60% सिल्का होता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सिल्का इन ए गुड ब्रिक्स अर्थ लाइज बिटवीन 50 से 60, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिल्का इन ब्रिक्स क्या होता है? लॉस ऑफ कोहेसन, सिल्का ज़्यादा होने से क्या होता है ब्रिक में? कोहेसन का लॉस हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक्स अर्थ एनेबल्स द ब्रिक्स टू रिटेन इट्स शेप, शेप मेंटेन करके रखना है, तो किसका काम है, सिलिका का है। ज़्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा, और शेप मेंटेन रखना सिलिका का काम है। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स ए करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ, तो सिलिका एंड अल्कलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स ए करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स, तो सिलिका एंड अल्कली। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रीडियंट टू मेक ब्रिक, उसको बोलते हैं नीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडिंग। मिक्सिंग करेंगे क्ले को, वाटर को और अदर इंग्रीडियंट को, उसको क्या बोलते हैं? नीडिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए। द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज इन ब्रिक क्या होता है? ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फुल्ली बंट ब्रिक्स। द इंटरनल साइज जो होता है वो ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली बंट ब्रिक्स। 24, पग मिल इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्ले को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? पग मिल के अंदर किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, तो कौन सा ब्रिक होगा? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होगा। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक्स इन ए ब्रिक्स ब्रिक्स मशीनरी इज जनरली केप्ट ऑन टॉप फेस पे, कहाँ रखा जाता है? टॉप फेस पे। चलिए, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर वन क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मशीनरी इज 500। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर वन क्यूबिक मीटर कितना? 500 होता है। ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्दनवेयर इम्परवियस, ग्लेजिंग इम्परवियस। क्विक लैम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लैम। सेलेक्ट लैम CaOH होल टू को बोलते हैं सेलेक्ट लैम। क्विक लैम के बारे में बताना है, क्या बताना है? चलिए, स्लो इन सेटिंग सही बात है, रैपिड इन स्लैकिंग गलत बात है, गुड इन स्ट्रेंथ। तो याद रखना क्विक लैम, याद रखना स्लो इन सेटिंग होता है क्विक लैम का और गुड इन स्ट्रेंथ होता है, इसका मतलब 1:3, 1:3 मतलब कहा ना, सॉरी 1:2 होगा यार, रैपिड इन सेकिंग। ठीक है, गुड स्ट्रेंथ नहीं होता है क्विक लैम का, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्लो इन सेटिंग और रैपिड इन स्लैकिंग, और गुड स्ट्रेंथ गलत बात है ये, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्योर लैम टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, सही बात है ये। प्योर लैम हैज स्लो हार्डनिंग करेक्टरिस्टिक, सही बात है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोलिक लैम इज ऑब्टेंड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कंकर, हाइड्रोलिक लैम जो होता है बर्निंग ऑफ कंकर। चलिए, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लैम इज क्ले, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लैम इज क्ले। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वाशिंग, सही है, हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वाशिंग गलत बात है, फैट लाइम यूज करते हैं व्हाइट वाशिंग के लिए। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर, इसका मतलब सेकेंड और थर्ड इज द राइट आंसर। द मेन इंग्रीडियंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट लाइम एंड सिल्का, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, तो कौन होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, अनडिजरेबल प्रॉपर्टी होता है ये। ली चैटेलियर डिवाइस यूज टू डिटरमाइनिंग द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, ली चैटेलियर साउंडनेस। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग कौन है? द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इनिशियल सेटिंग के लिए होता है ये। ठीक है, द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। चलिए, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 10 आवर, द मैक्सिमम सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना? 10 घंटा। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब शुड बी 50 mm। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट 30%, कितना होता है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अबाउट 10, 20, 30, 40, तो 30% होता है। अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू फाइन ग्राइंडिंग के कारण। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट
डिक्रीजेज। एज पर द आईएस स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज तो कितना जाएगा 16 MPa। आफ्टर 3 दिन के बाद कितना जाएगा, सुड नॉट बी लेस देन 16 MPa से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। ऑर्डनरी सीमेंट जो है आईएस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू पोजोलाना टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेज श्रिंकेज, पोजोलाना श्रिंकेज। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम और H2O CSO4+H2O फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड सीमेंट 1 और स्टैंडर्ड सैंड 3 तो 1:3 रेशियो होता है, बी इज द राइट आंसर। द स्लंप रिकमेंडेड फॉर द मास कंक्रीट इज अबाउट 25 mm टू 50 mm विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड फर्स्ट इंक्रीजेज टू अ सर्टेन मैक्सिमम देन डिक्रीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम द लो हीट सीमेंट, कौन सा हीट, लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटरटेन एयर इन कंक्रीट रिजल्ट इन 1:2, 1:2 मतलब बेटर वर्कएबिलिटी होना चाहिए और बेटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एसिलेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज एन एसिलेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाई वेट द 2 होता है। द बेसिक पर्पस ऑफ ए रिटार्डर इन कंक्रीट क्या होता है, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इन द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर क्या होता है, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट द लो सीमेंट सीमेंट लो हिट सीमेंट। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज कैल्शियम, नहीं रिटार्डर का बात करेगा तो कैल्शियम। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट, रिटार्डर इन सीमेंट तो जिप्सम। द बेसिक लो मटेरियल रॉ मटेरियल विच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील तो कौन सा, आयरन और कोल और लाइम स्टोन, ठीक है, आयरन और कोल और लाइम स्टोन। कंपेयर टू द माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज क्या होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ये बात तो सही है, और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव और लो टेंसाइल मतलब 4:1 and 4। विच आर द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सपर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर्टी ऑन स्टील कार्बन, विच आर द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, रॉट आयरन। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील 420 Nm², परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन द माइल्ड स्टील कितना, 0.25 से कम ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील तो इल्ड स्टील, कौन सा स्टील, इल्ड स्टील को यूज करते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेब टू दैट ऑफ द स्टील ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, देखो वेब अपॉन स्टील तो लेस देन 1 हो जाएगा। पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ वुड वर्क। चलिए द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर कितना होता, 0.6 liter डिस्टेम्पर के लिए 0.6 liter। द व्हीकल्स यूज इन केस ऑफ इनामल्स पेंट इज यूजली वर्निश, यूजली वर्निश। नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थीनर फॉर इंडोर पेंटिंग, सही बात है। टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑफ कॉस्टलियर देन अदर, सही बात है, इसका आंसर सही है दूसरा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इन ब्रिक मशीनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर इन इट्स कोर्स इज नोन एज डबल फ्लेमिश बॉन्ड। द स्ट्रक्चर बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन थिकनेस ऑफ द वॉल इज 90 mm कितना, 90 mm, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जल्दी डाल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जेएसएससी वाला टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।